Hi guys, this is Priyanka Rathi and you are watching Creative Kona. So guys, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing well in your life और practice तो आप लोग कर ही रहे होंगे, है ना? तो अभी दिवाली आने वाली है और घर की सफाइयाँ स्टार्ट हो गई है. ज़्यादातर लोग अपने घर की सफाइयाँ शुरू कर दी है करना. तो जो हमारे जैसे कुछ पुरानी पुरानी चीज़ें होती है उसको हम DIY करके नया बना सकते हैं. जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी और एक ओल्ड टेबल को उसको क्रिएट किया था, एक नई टेबल में कन्वर्ट किया था. तो ऐसे ही मैं अपना एक स्टूडियो को थोड़ा सा मेकओवर दे रही हूँ, जो कि हमारा पहले स्टोर रूम हुआ करता था. तो उसी को ही मुझे अलाउ किया गया कि आप इसको इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकती हो अगर तुम करना चाहती हो. तो उसको मैं थोड़ा सा कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ, उसको मेकओवर दे रही हूँ. और तो ऐसे ही मुझे लगा कि मेरे स्टूडियो के लिए एक अलग टेम्पल भी होना चाहिए. जैसे घर में तो है लेकिन स्टूडियो में एक अलग होना चाहिए. तो उसको मैं DIY करने वाली हूँ और उसकी पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी. तो मैं दिखा देती हूँ आपको ये टेम्पल. ये कुछ इस टाइप का टेम्पल है जो कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा ही है और थोड़ा पुराना है काफ़ी. तो इसको हम DIY करेंगे और देखते हैं ये कैसा बनकर कैसा निकलता है. तो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए ज़रा चेक करते हैं कि इस मंदिर की ओवरऑल कंडीशन कैसी है. मंदिर पे काफी धूल वगैरह जम गई थी जो कि मैंने धो के साफ कर दिया है. देन उसके बाद मैं उसको सैंड पेपर से घिस लूंगी ताकि जो हम उस पे वाइट सीमेंट या जैसो का कोट लगाए तो वो उतरे ना जल्दी से. तो उसके लिए मैंने लिया है फैबिकॉल, थोड़ा पतला कर लिया है पानी मिलाकर, और उसमें मैं डायरेक्ट वाइट सीमेंट मिलाऊंगी क्योंकि हमको वो प्लाई पर चिपकाना है और हम उसमें ज़्यादा पानी अगर यूज़ करेंगे तो वो अच्छे से चिपक नहीं पाएगा. तो वाइट सीमेंट ले कर उसको मैं अच्छे से मिक्स करके देन अपने टेम्पल पे अप्लाई कर दूंगी. अप्लाई अच्छे से करना है क्योंकि जो बीच में छोटी छोटी दरारें हैं उसमें भी फिल करना है ताकि हमारा सरफेस एकदम इक्वल हो जाए. और उसके बाद फिर से सैंड पेपर से घिसना है, घिसने के बाद जैसो का एक कोट लगाना है. देन हम कलर करेंगे. उसके लिए मैंने मल्टीपल कलर्स लिए हैं जैसे कि पर्पल, रेड, ऑरेंज, क्योंकि मैं एक राजस्थानी स्टाइल में ये टेम्पल क्रिएट कर रही हूँ तो उसमें भी ऐसे ही मल्टीपल कलर्स वो लोग यूज़ करते हैं. तो थोड़ा सा ओल्ड दिखाने के लिए मैंने थोड़ा ब्लैक कलर रोलर में लिया है और कॉर्नर्स पे बहुत ही हल्का हल्का अप्लाई कर रही हूँ. अब हम मेहंदी की जैसी एक कीप बनाएंगे जिसके लिए मैंने एक छोटा सा प्लास्टिक का शीट लिया है और उस पर मैं फोल्ड करके टेप लगाऊंगी, देन घुमा के फिर से टेप अप्लाई करूंगी. कीप का एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के बाद मैं उसमें गोल्डन कलर फिल करने वाली हूँ और उसी से ही मेहंदी का डिजाइन बनाऊंगी. वैसे मैं मेहंदी बनाने में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैंने अपने एक पेन से ड्रॉ कर लिया है डिज़ाइन, देन उसके बाद मैं उसी पे ये अप्लाई करती जाऊँगी. आप भी ये ट्रिक अपना सकते हैं. सेम कलर का अगर पेन लेंगे तो वो नीचे से जो पेन दिख रहा है वो भी नहीं दिखाई देगा. मंदिर पर जो भी डिज़ाइंस मैंने बनाए हैं उन सबके रेफरेंस मैंने मेहंदी डिज़ाइन से ही लिए हैं और उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है अपने टेम्पल के हिसाब से. ऐसे आप भी अगर किसी चीज़ को मेकओवर दे रहे हैं तो उसी के हिसाब से आप उनको कन्वर्ट करके अपने डिज़ाइन को और सुंदर बना सकते हैं. जैसे कि टेबल बना रहे हैं तो कोई सर्कल वाला डिज़ाइन उसको बीच में सेंटर में दे सकते हैं. देन काफ़ी बॉर्डर्स भी होते हैं मेहंदी पर, वो भी आप किनारे पे ऐसे यूज कर सकते हैं.
लीजिए, पूरी दो दिन की कड़ी मेहनत के बाद हमारा मंदिर हो गया है कंप्लीट। ये आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और आप भी अपने घर पे किसी एक चीज को नया मेकओवर जरूर दे सकते हैं इसी ट्रिक को यूज करके। इसमें मेहनत भी ज्यादा नहीं है और इजी भी बहुत ज्यादा है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। तू पिता है मेरा और तू ही रहेगा, मेरी हर गलती को तू हंस कर सहेगा। तेरे जाप से मन का उड़ गया है रे पंछी, सब तेरी बदौलत है आज रघुवंशी। तू सूक्ष्म है और तू ही विशाल है, तू उत्तर है और तू ही सवाल है, तू ही है सत्या बाकी जिंदगी भी ना सगी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।